तो दोस्तों, अगर हम अपनी सीट से, जैसे ये सीट है मेरी, अब इसमें से मुझे कुछ सेलेक्टेड डेटा कॉपी करके नेक्स्ट सीट पे ले जाना हो, तो नॉर्मली आप कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं इतना डेटा मुझे चाहिए, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, देन मुझे ये डेटा चाहिए अगर, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर दूसरी सीट पे जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। लेकिन अगर डेटा बड़ा होता है और हमें कुछ ज़्यादा डेटा चाहिए कॉपी करने के लिए, तो हम उसे बार बार ऐसे करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका हम शॉर्टकट की सीखते हैं, कैसे हम एक साथ में सारा कॉपी करके और एक साथ में पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेस अल्ट ई और पी, यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे फिर से इतना डेटा चाहिए, तो मैं इसे फिर कंट्रोल सी करता हूँ, देन ये चीज़ मुझे, मैं फिर से कंट्रोल सी करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, ओपन कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर आ करके हम सिंपल सा इस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए डेटा आ गया है। देन हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए डेटा अपने पास आ गया है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा सेल को हम साइज छोटा कर लेते हैं। अब ये देखिए जो भी डेटा वहाँ पर था और जो हमने कॉपी किया था, वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, कैसा रहा ये आज का ट्रिक? अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।